नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। माता वैष्णो के भक्तों ने भक्ति का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला है। साल 2023 में अब तक 93,50,000 लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2023 के खत्म होते होते ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इस साल 93,50,000 से ज्यादा लोग माता वैष्णो के दर्शन के लिए पहुंचे, जो बीते 10 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2013 में 93,24,000 भक्त यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे थे। 2012 में ये आंकड़ा 10,40,000 और 2011 में 10,11,000 लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक हर रोज वैष्णो माता के दर्शन के लिए 47,000 से 44,000 लोग आ रहे हैं। साल के आखिर तक ये आंकड़ा बढ़कर 50,000 तक पहुंचने वाला है, जिससे साल 2023 में भक्तों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। अक्टूबर 2023 में नवदुर्गा पथ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया था। स्काई वॉक के बनने से भक्तों को मंदिर तक पहुंचना काफी सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। स्काई वॉक में हर 100 मीटर की दूरी पर वेटिंग हॉल बने हैं। वहीं कटरा में तीर्थ स्थल आधार शिविर में अब एक एडवांस कॉल सेंटर बन गया है, जो 24 घंटे काम करता है। इसमें दुनिया भर से 2500 तीर्थयात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अक्टूबर में ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भक्तों के लिए लाइव दर्शन सुविधा शुरू की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।